brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने शनिवार यानी 27 अप्रैल को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का ये फैसला धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट करने के बाद आया। अब ये साफ हो गया है कि धनंजय सिंह जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे और जौनपुर में अपनी पत्नी श्रीकला के लिए प्रचार करेंगे। जौनपुर की सियासत पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन निषाद पार्टी और यूपी कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को ऐसा नहीं लगता है। डॉक्टर संजय निषाद से जब धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने और चुनाव में उनके प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये चुनाव नेशनल लेवल का है और जौनपुर में कमल ही खिलेगा। जौनपुर से धनंजय सिंह को अभी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, हालांकि उनकी सजा बरकरार रहेगी। तो देखते हैं कि धनंजय सिंह के जेल के बाहर आने से बीजेपी को जौनपुर सीट मुश्किल पड़ेगी, वहां पर अब वो प्रचार भी करेंगे और वो बीएसपी से कैंडिडेट भी हैं। कैसे देखते हैं जौनपुर से धनंजय सिंह के जेल के बाहर आने से? देखिए, चूंकि हम किसी कैंडिडेट की बात नहीं करते, जनता फैसला लेती है और जनता ही जज करती है, मैंने पहले ही बता दिया। और लोकतंत्र में जनता के पास पावर है। सोशल मीडिया ये लोगों के बाइफर्केशन करता है, चूँकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, नीतियों का चुनाव है, अर्थव्यवस्था का चुनाव है, उसको देखकर लोकसभा का चुनाव कर रहा था। लोकसभा बड़ा चुनाव होता है और इसके आधार पर हमको पूरा विश्वास है कि जौनपुर की भी जनता कमल खिलाएगी और मोदी को जिताएगी। बता दें कि धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। तब से यानी 53 दिन से वो जौनपुर जेल में बंद थे। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने जौनपुर से टिकट दिया था। बीजेपी ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है। कृपाशंकर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। जौनपुर में प्रत्याशियों को 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन दाखिल करना है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।